नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सब UP SSSC से जो लेटेस्ट अपडेट है उसे देखेंगे। तो देखिए, लिखा है कि दिवाली के बाद ग्रुप सी के 22,000 पदों पर होंगी भर्तियां, और साथ में देखिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। तो चलिए हम सब देखते हैं पूरा खबर क्या है। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश UPG के सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। वहां से आपको इन तीनों विषयों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब देखते हैं क्या है पूरी खबर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए कभी भी आपको इस चैनल के द्वारा फेक न्यूज नहीं बताया जाता है, और देखिए यह एक एजुकेशन चैनल है, इसके द्वारा आपको कभी फेक न्यूज नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम सब देख लेते हैं क्या है खबर। तो देखिए, लिखा है कि UP SSSC रिक्रूटमेंट 2021, दिवाली के बाद ग्रुप सी के 22,000 पदों पर होंगी भर्तियां, और साथ में देखिए लिखा है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी। देखिए यह जो आर्टिकल है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप सब यहाँ पर लिखा है कि ऊपर यूपी में समूह गौ के खाली पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। तो देखिए 22,794 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जल्द ही UP SSSC शुरू करने जा रहा है, और देखिए इन पदों को 5 चरणों में भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन पदों को जो है 5 चरणों में भरा जाएगा। इसके लिए इसी माह से विज्ञापन निकालने की तैयारी है, और जनवरी से फरवरी के बीच परीक्षाएं कराने की तैयारी है। अब देखिए जो है कह रहा है कि आयोग के द्वारा, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके लिए इसी माह से विज्ञापन निकालने की तैयारी है, और जनवरी से फरवरी के बीच परीक्षाएं कराने की तैयारी है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि आचार संहिता से पहले विज्ञापन। तो देखिए बहुत लोग कह रहे थे कि आचार संहिता लग जाता है तो विज्ञापन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि आचार संहिता लगने से पहले ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए लिखा है, आयोग विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इन पदों के लिए आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देना चाहता है, जिससे किसी तरह का कोई विवाद न फंसे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार सदस्यों के साथ इस संबंध में बैठक कर चुके हैं, और देखिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, वह सदस्यों के साथ जो है इस पर बैठक भी कर चुके हैं। और देखिए आगे लिखा है, जिससे भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सके। तो जल्द ही देखिए आप संशोधित जो है परीक्षा कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 50,000 से अधिक खाली हैं पद। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PT का आयोजन किया गया था। आयोग ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। इस समय कुल 17,99,052 अभ्यर्थी देखिए शामिल हुए थे। समूह ग के वैसे तो 50,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन पहले चरण में 22,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। और देखिए आगे लिखा है कि इसके बाद शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग चाहता है कि समूह ग के रिक्त सभी पदों को 1 साल के अंदर भर लिया जाए, जिससे PET में शामिल होने वालों को इसका लाभ मिल सके। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए लिखा है कि कंप्यूटर के साथ अंग्रेजी जरूरी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि कंप्यूटर के साथ अंग्रेजी जरूरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सभी भर्तियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करेगा। ऑनलाइन आवेदन लेने के साथ ही जरूरत के आधार पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने पर भी विचार किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया का सभी काम अलग अलग एजेंसी को दिया जाएगा, जिससे पारदर्शी प्रक्रिया बनी रहे। और देखिए आगे लिखा है, आयोग इसके साथ ही सभी भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम जारी करेगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले को सहायता मिल सके। समूह ग की भर्तियों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समूह ग की भर्तियों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। आयोग का मानना है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी आज के दौर में सबसे जरूरी है।
तो देखिए जिन लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है, देखिए कहा जा रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी जब आएगी तो देखिए ट्रिपल सी जरूर मांगा जाएगा, तो सब देखिए ट्रिपल सी रहना अनिवार्य है। अब देखिए आप सब लिखा है कि पहले इन पदों पर होगी भर्तियां, तो देखिए पद का नाम एक तरफ लिख दिया है, तो सबसे पहले देखिए राजस्व लेखपाल के कुल 7,882 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, और देखिए आपको जो है इसी माह में नवंबर में ही राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, और देखिए उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समक्षक पद के लिए 9,212 पदों पर, देखिए कृषि प्राविधिक व गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500 पदों पर भर्ती आऊंगी, और देखिए साथ ही यहाँ पर कनिष्ठ सहायक व आंशुलिपिक के 2,000 पदों पर, प्रयोगशाला प्राविधिक व एक्सरे प्राविधिक के 1,200 पदों पर। तो देखिए यही कुल वैकेंसी है जिन्हें पूरा किया जाएगा पीटी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे कुछ प्रक्रियाधीन भर्तियाँ भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद। देखिए ये सब जो है प्रक्रियाधीन भर्तियाँ, ये सब अभी पूरी नहीं हुई हैं। वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 655 पद, सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 भर्ती के 486 पद, और देखिए सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद परीक्षा 2016 भर्ती के पद 489, और देखिए सम्मिलित और अभियंता संगणक एवं फोरमैन परीक्षा 2018 भर्ती के 1477 पद, और फिर देखिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 भर्ती के 16 पद। तो देखिए यह सब जो पद हैं, यह सभी भर्तियां जो हैं यह प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही एक लेटेस्ट अपडेट था, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आप सब लेखपाल की तैयारी में लग जाइए, जिनके भी परसेंटाइल 70 से अधिक यानी 70-75 80-85 88-90 जिनका भी बढ़ रहा है वो सभी जो है लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दें, जब तक देखिए किसी प्रकार के आयोग द्वारा यह स्पष्ट न कर दिया जाए कि लेखपाल के लिए कितना कट ऑफ होगा, तब तक दोस्तों आप सब लेखपाल की तैयारी जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही लेटेस्ट अपडेट था, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।